हेलो दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एमएस वर्ड। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपका एमएस ऑफिस सूट का ही एक टूल है। मींस उसमें हमें एक अपना एप्लीकेशन मिलता है जिसमें हम क्या करते हैं, मेनली स्पेशली ये वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। मींस इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। मेनली इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किस पर्पज़ से आप इसको यूज़ करते हो, देन आप इसमें क्या क्या तैयार कर सकते हैं, अपने लेटर्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, और आप इसमें क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपने अपना रेज्यूमे तैयार करना है, ठीक है, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बुक्स वगैरह अगर आपने लिखनी होती हैं तो उनमें हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन बात यहाँ पे, मेन पॉइंट क्या है कि एमएस वर्ड ऐसी फाइलों को प्रोसेस करने की हमें परमिशन प्रोवाइड करवाता है जो आपकी 45 KB से कम होती हैं, लेस देन 45 KB, ठीक है, इससे कम फाइलों को ये आराम से प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, मींस इसकी IDE को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके वर्जन्स पे बात करते हैं। तो MS Word के जो वर्जन्स हैं, मेन सबसे पहले आपके पास कि सबसे पहला वर्जन कौन सा है और लेटेस्ट आपका कौन सा चला हुआ है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्जन आपका आया था 1983 में MS Word का, और ये स्पेशली आपका DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज़ होता था, ठीक है। तो वर्ड 1983 में आपका पहला वर्जन आया था जिसको हम बोलते हैं MS Word 1.0, ठीक है, और स्पेशली किसके लिए यूज़ होता है, आपका DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। उसके बाद आपकी DOS के बाद विंडोज़ आई हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो पहला वर्जन आपका आया, दैट्स योर, इसमें सिंपल MS Word ही रहेगा, और इसका वर्जन था MS Word 1.0, ये 1991 में आपके पास आया हुआ है, ठीक है। तो विंडोज़ के लिए पहला वर्जन आया 1991, सिर्फ ईयर याद रखना है पहला वर्जन। डॉस के लिए वैसे तो रिलीज़ आपका 1983 में आपका रिलीज़ हुआ है, बट जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस यहाँ पे आपका वर्ड जो है वो GUI एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, मींस टोटली GUI बेस्ड एप्लीकेशन आपके पास आ गई, आपके पास थोड़ा फ्लुएंट हो गया चलाने के लिए, ईजी हो गया यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके बहुत से वर्जनस आए हैं, जैसे आपका 1992 में, फिर 3 में, 4 में, 5 में, इस तरह से बहुत से वर्जन्स आए हैं, बट जो मेरे पास वर्जन आया वर्ड 95 97, मतलब 1995 के बाद, वैसे तो हमारे वर्जन थे 1.0, 2.0, 6.0, इस तरह से, बट यहाँ पे जो 1995 के बाद जितने भी वर्जन्स आए थे, यहाँ से इन वर्जन्स को रीनेम कर दिया था आपका ईयर के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ भी इनका नाम 1995 से वर्ड के जितने वर्जन्स हैं उनको ईयर के नेम से ही जो है आगे वो वर्जन दिया गया, जैसे आपका वर्ड 95 हो गया, वर्ड 97 हो गया, ठीक है, वर्ड 2000 2003, इस तरह से आपके बहुत से वर्जन्स हैं। और आपके पास एक वर्जन आता है MS Word 2007। MS Word 2007 वर्जन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला वर्जन जो था इसमें आपके रिबन का यूज़ होता है, ठीक है। तो जो हम आज की डेट में भी अपने वर्ड्स के वर्जन्स में करते हैं, यहाँ से आपके जो वर्ड थे उसमें रिबन का कंसेप्ट डाला है, जिसमें आपके टैब्स हैं टैब के साथ। अब यहाँ रिबन में क्या है आपके पास कि जो टूल्स होते हैं वो आपको यहीं पे शो कर दिए गए होते हैं रिबन में ही। ऐसे हमें क्या होता है, पिछले जितने वर्जन्स हैं इनमें आपके मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। मेन्यूज़ में क्या होता है, एक एक मेन्यू को हमें डीपली ओपन करना होता है, और उसके साथ हमारी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, और हमें एक एक ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ता है कि कौन सी ऑप्शन कहाँ है, और उनके टूल्स हमें याद रखने पड़ते हैं, या उनके लिए हमें टूल बार अलग से यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो 7 और 7 के बाद के जितने वर्जन्स हैं उनमें आपको टूल्स या टूल बार को सेपरेट लगाने की ज़रूरत नहीं होता है, यहाँ पे आप रिबन में ही उन टूल बार्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मेटिंग टूल बार आपकी साथ में चलती है 7 और 7 के बाद वाले वर्जन्स में। 2007 के बाद आपका एक वर्जन आता है वर्ड 2010, ठीक है, उसके बीच में भी वैसे 7 के बाद 8 वर्जन आपका आता है, ठीक है।
तो 8 और 9 वर्जन आता है, बट यहाँ पे क्या है 10 वर्जन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्जन ऐसा था जो टच स्क्रीन के साथ जो है वो चलाने के लिए बहुत कंपेटेबल था। मीन्स इस वर्जन को ऐसे डेवलप किया गया है 10 वाला, जिसको आप अपने फ़ोन में या किसी भी टच डिवाइस पे जो है इजीली चला सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन पूछा जा सकता है कि सबसे लेटेस्ट वर्जन इन मार्केट अभी कौन से वाला है एमएस वर्ड का जो लेटेस्ट आया है, तो हमारे पास है वर्ड 2019। और इस वर्जन में आपकी क्या मतलब स्पेसिफिकेशन है, इसमें वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है, तो मीन्स वेक्टर ग्राफिक्स का इसमें कंसेप्ट आप यूज़ करते हैं, वेक्टर कैलकुलेशंस भी आप इनको बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारी इसमें यूज़ हो रही हैं। तो ये था कुछ एक वर्जन्स, तो मेन आपको याद रखना है फर्स्ट वर्जन डॉस के लिए आया था 1983 में, विंडोज़ के लिए आया 1991 में, और एक आता है लेटेस्ट वर्जन जो है आपका 2019 वाला। कौन सा वर्जन टच स्क्रीन के लिए सबसे पहले आया, दैट्स योर 2010। उसके बाद हम एक बात डिस्कस करते हैं कि हम एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे स्टेप्स कर लेते हैं यूज़ अपने एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए। तो ओपन करने के लिए आपके टू वेज़ हैं, वैसे तो आपके वेरियस वेज़ होते हैं, क्योंकि अगर आपने अपना आइकन बना के रखा है अपने डेस्कटॉप पे तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेनली टू वेज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कि आप अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम ऑप्शन, ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको अपना एमएस ऑफिस को चूज़ करना है, एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस को चूज़ करने के बाद आपने अपना एमएस वर्ड जो है वो ओपन करना है। जैसे ही आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे आपके पास पूरा वर्ड विंडो ओपन होता है और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, सेकंड वे आपका कौन सा रहता है, यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में वो क्वेश्चन अराइज होता है। आप लोग क्या करते हैं, स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू जो भी होता है वहाँ पे जाने के बाद अब अपनी रन कमांड होती है, एक रन ऑप्शन होता है, उसको जो है वो ओपन करते हैं। जैसे आप उस ऑप्शन को ओपन करेंगे उसका डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाता है, वहाँ पे आप एक वर्ड टाइप करते हैं, इसके डायलॉग बॉक्स में आप क्या टाइप करते हैं, एक वर्ड टाइप करते हैं, दैट्स योर विन वर्ड। और ये टर्म मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में अराइज होता है कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कौन सी फाइल आपकी यूज़ होती है, दैट्स योर विन वर्ड। जैसे आप अपना विन वर्ड राइट करेंगे और एंटर करेंगे या ओके करेंगे, आपके पास सेम वही ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ आपका वर्ड विंडो जो है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, तो अभी हम एमएस वर्ड का आईडीई मींस फर्स्ट विंडो जो आपको ओपन होता है वो आपको क्या क्या शो करवाता है हम उस पर बात करेंगे, एक एक करके हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं आगे उनको डिस्कस करेंगे। ओपन करना हमने देख लिया कैसे ओपन करते हैं, अब देखते हैं कि ओपन करने के बाद जो हमारे पास वर्क स्पेस या जिसको भी हम बोलते हैं जहाँ हमने वर्ड पे काम करना है, वर्ड की आईडीई इंटरफेस आपको कैसा दिखता है, तो जो आपका वर्ड का इंटरफेस दिखेगा आपको तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मैं एक एक चीज़ यहाँ पे वैसे नोट कर देती हूँ कि आपके पास क्या क्या मिलता है। मेन तो सबसे मेन सबसे पहले आपको जो मिलता है दैट्स योर टाइटल बार, सबसे टॉप पे आपका टाइटल बार होता है, फर्स्ट स्क्रीन पे सबसे टॉप पे जो पहली बार होते हैं उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका मेन क्या आएगा, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये आपका टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो अपने आप में ऑक्यूपाई करेगा। क्वेश्चन यहाँ क्या अराइज होता है कि जब आपके पास वर्ड का विंडो दिखता है पहली बार तो उसमें टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट टाइटल जिसको भी हम बोलते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आएगा आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वन। बट अब आप प्रोग्राम करेंगे, अपना काम करेंगे, उसको सेव करेंगे, सेव करके जो अपनी फाइल को नाम देंगे बाद में उसमें वो नेम जो है टाइटल में डिस्प्ले होता है। ठीक है, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आपके पास होता है सब ऑफिस बटन, ऑफिस बटन। ठीक है, तो दूसरा टूल मेरा आ गया ऑफिस बटन, एलिमेंट जो मेरी वर्ड की विंडो के हैं। ठीक है, ऑफिस बटन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफिस बटन आपको कहाँ शो होगा, टाइटल बार के टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, मींस टाइटल बार के साथ लेफ्ट साइड में ही आता है आपका, सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका ऑफिस बटन होता है। इसमें आपको बहुत सी ऑप्शंस मिलती हैं जहाँ से आप मतलब ये मेनली आपका फाइल मेन्यू का ही काम करता है। ठीक है, जैसे अगर
पुराने वर्जन में इसको फाइल मेन्यू बोलते थे, अब इसको जो है ऑफिस बटन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके अगर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट मीन्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई आपने अपना डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ठीक है, कोई आपने सेव करना है या उसको रीनेम करना है, मीन्स सेव एज करके नई फाइल बनानी है, प्रिंट करना है, और भी आपकी बहुत सी ऑप्शंस होंगी, जैसे आपका हो गया एक क्लोज, और भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन जब हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे तब इन सारी ऑप्शंस पे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वेरियस ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं, सारी ऑप्शंस का अपना एक काम होता है, मीन्स अपना एक रोल होता है, ठीक है। तो दूसरा हो गया ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के एकदम साथ आपको मिलती है क्विक एक्सेस टूल बार, जो थर्ड मेरा एलिमेंट आता है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट होता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अब ये क्विक असेस टूल बार क्या करती है, इसमें क्या होता है कि अगर आपने क्विकली कोई एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें थ्री ऑप्शंस होती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्विक असेस टूल बार जो है कितनी ऑप्शंस लेता है या कितने उस पर ऑप्शंस होती हैं, तो यहाँ पर थ्री ऑप्शंस होती हैं। वो ऑप्शंस कौन कौन सी होती हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करने का अपॉर्चुनिटी देता है, एक होता है आपका रीडू और एक होती है आपकी अनडू। रीडू और अनडू आपका मतलब रिपीट करना और लास्ट एक्शन को अगेन से, मतलब जो हमने डिलीट करके किया उसको दोबारा रिपीट करवाना, ठीक है, रीडू और अनडू करवाना। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस आपकी क्विक एक्सेस टूल बार पे होती हैं। इसके बाद मेन टाइटल बार का हो गया, टाइटल बार की लेफ्ट साइड आ गया आपका ऑफिस बटन, और ऑफिस बटन के साथ आ गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अब टाइटल बार के राइट साइड आपका क्या आएगा, राइट साइड में आपके फोर्थ नंबर पे हम लिख देते हैं, राइट साइड में आपके क्या आएंगे, तीन मेन बटन्स होते हैं बने हुए, एक होता है आपका क्लोज जिसका सिंबल इस तरह से बना होता है, ठीक है, एक होता है आपका मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज मींस वो आपके डॉक्यूमेंट को बिल्कुल मिनिमाइज करके आपकी जो टास्क बार होती है ना उस पर पिन अप कर देता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज के साथ इसमें रीस्टोर करके भी ऑप्शन होता है। एक्चुअली मैक्सिमाइज आपको क्या करेगा, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उसको फुल, मतलब जितना भी पूरी स्क्रीन है ना उसमें शो करवा के देगा, ठीक है, पूरी अपनी रिजोल्यूशन को कवर करेगा। रीस्टोर क्या करता है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आपने हाफ विंडो में ओपन किया है या थोड़ा सा रीसाइज करके उसको छोटा करके या थोड़ा सा मीडियम साइज में ओपन किया है तो वो काम रीस्टोर करता है, ठीक है। बट ये अल्टरनेटिव होते हैं दोनों, जब मैक्सिमाइज आप मैक्सिमाइज पे आप काम कर रहे हो देन ऑप्शन आपको रीस्टोर मिलेगा, बटन रीस्टोर आपका बना होगा जो कि इस तरह से दिखता है कुछ, और जब आपका रीस्टोर पे आप होते हैं तब आपको मैक्सिमाइज दिखता है जो कि फुल इस तरह से दिखता है, ठीक है जी। तो ये थे अभी चार टूल। उसके बाद आपके पास क्या आता है, उसके बाद आता है आपका रिबन। रिबन मींस अगेन टाइटल बार के जस्ट बिलो आपका रिबन होता है जिसको हम जिसमें सारे टूल्स पे होते हैं जिसको फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, रिबन, रिबन क्या होता है आपका, टाइटल बार से बिलो मतलब जो स्पेस मेरा शुरू होता है और जहाँ पे मेरे रूलर होते हैं, तो यहाँ पे मतलब टाइटल बार से बिलो मेरा स्पेस जो शो हो रहा है और यहाँ पे मेरे रूलर्स होते हैं, रूलर्स मींस जो मुझे इंडेंटिंग वगैरह के लिए हेल्प करते हैं, तो यहाँ का पूरा ये जो वाइड स्पेस है टोटल इसको बोलते हैं टोटली रिबन। अब इस रिबन में क्या चीज़ें आती हैं आपके पास, इस रिबन में दो या तीन चीज़ें आपके पास आती हैं, तो मेन सबसे ज़्यादा इसमें देखो क्या क्या यूज़ होता है, एक होते हैं टैब्स, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अराइज होता है हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन योर ऑफिस या फिर इन योर वर्ड विंडो, तो टोटल आपके पास 7 टैब्स होते हैं, क्लियर। हर टैब जो है किसके कम्बिनेशन से बना है, इनमें दो चीज़ें आती हैं, टैब्स में होते हैं आपके ग्रुप्स, ग्रुप्स मींस कि थोड़ी थोड़ी कमांड्स को ग्रुप अप करा हुआ है, उनको एक नेम दिया है कि ये कमांड इससे रिलेटेड है, ये कमांड इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये होगी ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर आते हैं आपके टूल्स या फिर जिनको हम कमांड्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इनको हम कमांड्स भी बोलते हैं। इन कमांड्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ग्रुप है उसमें मैंने कट कॉपी पेस्ट वगैरह इस तरह से कुछ करना है, तो उसके लिए कोई भी आपका जो है वो सिंबल बना होगा, जैसे कॉपी के लिए आपका इस तरह से दो कॉपीज बन के आती हैं, ठीक है, कट के लिए सीजर का सिंबल होता है, तो इस तरह से आपके कुछ एक टूल्स वहाँ पे बने होते हैं,
तो रिबन क्या होता है आपका वाइड एरिया जो अपने आप में क्या क्या कवर करता है, जिसमें टैब्स होती हैं, टोटल टैब्स आपकी 7 होती हैं। उसके बाद टैब्स के अंदर फिर ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंदर फिर आपकी कमांड्स होती हैं, ठीक है। और ये टूल्स जो है, अब रिबन बार जो मेरी शो होगी उसमें जो टूल्स आपको दिखेंगे इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं, ठीक है। तो रिबन्स के अंडर ही मेरे पास आता है ये, इस होल स्पेस को बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग टूल बार क्या है, मेनली जिसमें ग्रुप्स और टूल्स हैं, मीन्स जिसमें आपके बने हुए हैं आइकन्स छोटे छोटे, जहाँ से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टैब को ओपन करिए, उससे रिलेटेड आइकन्स जो कमांडे हैं वो आपको ऐसे ही शो हो जाती हैं, तो आप किसी भी कमांड को पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे मेरी रिबन की बात, उसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है मेरा सबसे, मतलब रिबन के बाद आपको क्या दिखेगा, वो होते हैं आपके रूलर, ठीक है। रूलर आपके टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपका वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल रूलर, वर्टिकल मींस टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल मींस लेफ्ट टू राइट। तो वर्टिकल रूलर आपको क्या करेगा कि आप लोग अपना टॉप टू बॉटम में इंडेंट सेट कर सकते हैं, मींस वर्टिकली आप इंडेंट सेट कर सकते हैं अपने पेज का, कि इस तरह से कि आपने टॉप में कितना छोड़ना है और बॉटम में कितना छोड़ना है। जबकि हॉरिजॉन्टल वाला आपको लेफ्ट और राइट से इंडेंटिंग जो है वो यूज़ करने में हेल्प करता है, कि आप लेफ्ट में कितना इंडेंट छोड़ रहे हो, मींस आपका कितना पेज या कितना स्पेस आपका खाली रहेगा, ठीक है, और राइट से आप कितना मार्जिन अपना छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। रूलर के साथ साथ क्या होता है कि जहाँ मेरे मतलब राइट साइड में हमारे पास एक बटन बना होता है, जहाँ रूलर होता है रूलर के साथ में राइट साइड में एक बटन बना होता है जिसको हम स्प्लिट विंडो बटन बोलते हैं, या फिर स्प्लिट विंडो नहीं, सॉरी, जो ये बटन इस तरह से होता है आपके पास, मतलब यहाँ पे आपको रूलर के ही एरोज़ होते हैं जो शो और हाइड करने के लिए आपका यूज़ होता है, मीन्स आप अपना रूलर दिखाना चाहते हैं या नहीं शो करवाना चाहते हैं, तो इस तरह से एक बटन होता है राइट साइड में बना हुआ जिसमें आपका रूलर को शो और हाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो शो या हाइड करवा सकते हैं आप अपने रूलर को, लेकिन यहाँ पे जो शो और हाइड रूलर का जो बटन है उसके ऊपर एक हल्का सा बटन बना होता है, मीन्स इस तरह से हल्का सा आपको एक बार दिखता है, वो बार आपकी स्प्लिट विंडो बटन होता है। कई बार ये क्वेश्चन पुट होता है कि स्प्लिट विंडो बटन आपका कहाँ पे होता है आपकी स्क्रीन में, तो कुछ एक ऑप्शंस होंगी, तो आपको इसका लोकेशन याद रखना है कि जो रूलर बटन है मेरे पास जहाँ से शो और हाइड रूल करते हैं अपना, उसके ऊपर जस्ट ऊपर हमारा स्प्लिट विंडो बटन होता है, जिसका काम है आपकी विंडो को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो अगर आप इस बटन को क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो जहाँ तक भी ड्रैग करेंगे आपकी विंडो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अगेन रूलर के बाद एक आपको मिलता है स्क्रॉल बार्स, स्क्रॉल बार्स। तो स्क्रॉल बार भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी वर्टिकल और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। तो स्क्रॉल बार आपकी किस पर्पज़ से यूज़ होती है, आप अपने डाटा या अपने पेज पे जो भी आपने लिखा है उसको आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं। तो वर्टिकल करेंगे तो आपका टॉप टू डाउन स्क्रॉल होगा पेज, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो लेफ्ट टू राइट आप अपना स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार के साथ आपको कुछ और बटन्स मिलते हैं, मीन्स स्क्रॉल बार में भी अपने आप में बहुत से बटन्स होते हैं, तो इस तरह से स्क्रॉल बटन्स होते हैं जहाँ से आप फास्ट स्क्रॉलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। एक आपकी बार बनी होती है जिसको आप क्लिक करके होल्ड करके भी ड्रैग करवा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको एक छोटे छोटे बटन्स बने होते हैं हल्के से, जिसमें आपका नेक्स्ट पेज, मतलब पेज डाउन पेज अप, इस तरह से आपको स्क्रॉल बार के जस्ट बिलो आपको कुछ बटन्स मिलेंगे जो आपको पेज डाउन पेज अप के लिए जो है वो ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट मेरा जो आता है वो है आपका वर्क एरिया। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा वर्क एरिया। अब ये वर्क एरिया क्या होता है, वर्क एरिया मीन्स जहाँ पे हम काम करेंगे। अब ये वर्क एरिया वो स्पेस होता है जहाँ पे आपका वाइट सा पेज आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, तो वो आपका वर्क एरिया होता है। मीन्स इस वर्क एरिया पे आपको आई बीम कर्सर दिखेगा जो बार बार ब्लिंक करता है, ठीक है। तो वो आपका इंसर्शन पॉइंट होता है, ये भी मेरा एक टूल है, इसको मैं इंसर्शन पॉइंट बोलती हूँ, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट, या फिर इसको हम कर्सर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एरिया, ब्लैंक पेज या ब्लैंक पेपर जहाँ पे आपने काम करना है, और जो एक लाइन या जो एक पॉइंट आपको स्टिक सी दिखेगी जो बार बार ब्लिंक कर रही है, दैट्स योर कर्सर, आई बीम कर्सर इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से हम अपना कोई भी टाइपिंग करना शुरू करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास और क्या क्या इसमें मिलता है? नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेटस बार, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेटस बार। कई बार स्टेटस बार से भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे होती है आपकी और क्या काम इसका है। तो स्टेटस नेम से क्लियर है कि ये स्टेटस प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले तो ये सबसे बिलो स्क्रीन पे होता है आपका, मतलब पेज के सबसे डाउन में सबसे नीचे आपकी स्टेटस बार होती है। और इसमें क्या चीज़ें आपको मिलती हैं? इसमें ये शो करता है हमें नंबर ऑफ पेजेस, जिसमें हम करंट पेज का पोजीशन भी बताता है। करंट पेज मतलब अगर मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल 4 पेजेस हैं तो नंबर ऑफ पेजेस 4 तो आएगा ही, लेकिन अगर मैं सेकंड पेज पे काम कर रही हूँ तो करंट पेज का लोकेशन भी देगा, ठीक है। 2 of 4 इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि मैं सेकंड पेज पे काम कर रही हूँ, टोटल पेज मेरे 4 हैं, ठीक है। साथ में इसमें और क्या चीज़ आती है आपके पास? वर्ड्स, कितने वर्ड्स आपके पास हैं, मतलब पूरे जो पेज हमने लिखे हैं ना, पूरा डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, कितने वर्ड्स आपने उसमें लिखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी आपको देता है। और अगर आप इस वर्ड जो आपका लिखा होगा वहाँ पे, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है, जहाँ से आप देख सकते हैं कितना टाइम आपने लिया है और कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, ठीक है। और इसमें क्या देता है? लैंग्वेज, लैंग्वेज भी बताएगा कौन सी लैंग्वेज आप लिख रहे हो। इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश, मीन्स यहाँ पे वो आता है कि आपने किस टाइप का लैंग्वेज, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो अगर हिंदी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट किया है तो वो चीज़ यहाँ पे आएगी। वैसे अमूमन हम इंग्लिश में ही करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश ही लिखा हुआ आपके पास शो होता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज सिलेक्शन डिपेंड करता है आपका कि आपने कौन सी लैंग्वेज अपने वर्ड के लिए जो है वो सिलेक्ट करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टेटस बार के, ये तो होगी लेफ्ट साइड की बात, राइट साइड में आपको क्या मिलेगा? स्टेटस बार के राइट साइड में आपको मिलते हैं पेज लेआउट व्यूज, इम्पॉर्टेंट है, पेज लेआउट व्यूज, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितने व्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्ड में कितने पेज के व्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 5 व्यूज होते हैं, जिसमें वेरियस होते हैं। एक तो नॉर्मल प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइनिंग होगा, ठीक है, और भी आपके बहुत से व्यूज होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जिस लेआउट पे हम काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है, उसमें हम बाय डिफॉल्ट काम करते हैं, ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू, इसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसके साथ इसमें और क्या आएगा आपको? राइट साइड में ही आपको 2 बटन मिलेंगे, जूम इन एंड जूम आउट, जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन और जूम आउट का मतलब क्या है कि आपने अपने पेज को मतलब बढ़ाना है या कम करना है, मीन्स उसका परसेंटेज आपने बढ़ाना है या कम करना है। अगर आप जूम इन करेंगे तो इसके नीचे आपको इस तरह से प्लस का सिंबल होगा, मतलब जूम इन का मतलब प्लस का सिंबल होता है वहाँ पे बना हुआ, जूम आउट मतलब आपका माइनस का सिंबल है। इसका मतलब आप इंक्रीज करेंगे अपने पेज का परसेंटेज और ये आपका डिक्रीज करेगा पेज का साइज। तो ये 2 ऑप्शंस भी आपकी जूम इन और जूम आउट जो है इसमें आपको दिखती है, ठीक है। तो ये था मेरा थोड़ा सा मतलब IDE आपकी वर्ड में कैसे दिखती है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि वर्ड विंडो में हेल्प बटन आपको कहाँ दिखता है। तो ऐसे अगर आप हेल्प अपना लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप सिंपली F1 की प्रेस करके जो है वो हेल्प ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। लेकिन वर्ड विंडो में जो रिबन होता है आपका, रिबन के राइट साइड में आपको एक सिंबल मिलेगा बना हुआ दैट्स क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। तो ये मेरा हेल्प बटन होता है जो मेरा राइट साइड में आएगा रिबन के, ठीक है, राइट साइड ऑफ रिबन। उसके बाद ये था थोड़ा IDE के बारे में, पर उसके बाद हमारा आता है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया या जो मैं वर्ड में काम कर रही हूँ उनका एक्सटेंशन क्या रहता है। तो आप जब भी अपने MS वर्ड में काम करते हैं, आप एक्सटेंशन का क्वेश्चन आपका अराइज होता है कि एक्सटेंशन क्या रहती है। तो वर्ड की फाइल्स का एक्सटेंशन रहता है .doc, ठीक है, मतलब .doc आपका रहेगा 7 से पहले के वर्जन, मीन्स 2003 का जो आपका वर्जन होता है उसके लिए, ठीक है। अगर आप 2007 या इससे मोर आगे के जो भी एक्सटेंसिबल वर्जन है उनमें आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपका .docx यूज़ होता है, जिसमें आपके रिबन के कंसेप्ट आ रहे हैं या थोड़ा सा एक्सटेंसिबल आ रहा है, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया जस्ट IDE ऑफ योर वर्ड विंडो,
नेक्स्ट में हम अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक एक करके अपने सारे कंसेप्ट, मीन्स ऑफिस बटन में क्या होता है, कौन सी कमांड्स मिलती हैं, रिबन में एक एक टैब को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।